हेलो फ्रेंड, नमस्कार दोस्तों। दोस्तों मैकोम कंप्यूटर में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज की मेरी जो वीडियो है वो है यूपीएस के ऊपर, कि जो हमारा यूपीएस होता है उसमें क्या क्या पार्ट होते हैं और उसमें क्या क्या प्रॉब्लम आती है, और जो यूपीएस हमारा होता है वो कितने प्रकार के यूपीएस होते हैं, और यूपीएस जो है किस प्रकार से काम करता है, और यूपीएस के जो अंदर का जो सिस्टम होता है, जो भी कार्ड वगैरह बैटरी वगैरह होती है, उसके बारे में आज आपको बताने वाला हूं। तो दोस्तों वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें और वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें, ताकि आपको यूपीएस के बारे में पता लग जाए कि यूपीएस जो है हमारा किस प्रकार से काम करता है। ठीक है दोस्तों। दोस्तों यूपीएस का जो मेन काम होता है वो होता है बैकअप देने का। जब कभी हमारी जब हम कंप्यूटर पर सिस्टम पर अगर कोई भी काम करते रहते हैं और किसी भी फाइल वगैरह में, ऑफिस वगैरह में अगर कोई काम करते हैं हम, तो अचानक से अगर लाइट चली जाए, तो उस लाइट जाने के बाद क्या है, ये कंटिन्यू सिस्टम को चालू रखता है और एक बीप की साउंड देता है, जिससे कि हमें ये पता लग जाता है कि अब पावर हमारी चली गई है। पावर जाने के बाद हमें जो बैकअप देता है उसके बाद, जो जिससे कि हम अपनी फाइल वगैरह को सेव कर सके, तो उसके बाद जो काम करता है वो यूपीएस करता है, जिससे कि पावर कंटिन्यू रहे। 10 से 15 मिनट तक जो है यूपीएस अपना बैकअप देता है। तो इस प्रकार से यूपीएस जो है हमारा हम सिस्टम पे लगाते हैं। और एक कारण और है यूपीएस लगाने का दोस्तों, जब अगर बार बार सिस्टम हमारा जो है डायरेक्ट बंद होगा, तो उससे क्या है, हमारी जो हार्ड ड्राइव होती है उस हार्ड ड्राइव पे इफेक्ट पड़ता है, उसका जो मीडिया होता है वो क्रैश होने का डर होता है, और कई बार हमारी जो विंडो होती है वो विंडो भी हमारी ख़राब हो जाती है। तो इसलिए हम क्या है यूपीएस का प्रयोग करते हैं अपने पीसी के लिए, सिस्टम के लिए। ठीक है जी। यूपीएस के अंदर जो होता है, यूपीएस जो बैकअप देता है, यूपीएस का काम क्या होता है दोस्तों, यूपीएस का काम होता है, हमारी इसके अंदर एक 12 वोल्ट की बैटरी होती है। वो जो 12 वोल्ट की बैटरी जो होती है वो क्या है, हमें बैकअप देती है। 5 से 7 मिनट का बैकअप जो है, 5 से 10 मिनट का बैकअप हमें यूपीएस आराम से दे देता है। वो दोस्तों लोड के ऊपर होता है, किस प्रकार का कितना हैवी सिस्टम है, उसके साथ सीआरटी मॉनिटर लग रहा है या टीएफटी लगी हुई है या एलईडी लगी हुई है, उसी हिसाब से क्या है मॉनिटर हमारा, यूपीएस हमारा बैकअप देगा। उसी प्रकार से बैकअप उतना ही बैकअप देगा जितना कि उसके अंदर बैटरी का बैकअप है। जो 12 वोल्ट 7.2 एएच की बैटरी लगी होती है, उसी प्रकार से यूपीएस जो है हमारा बैकअप देगा। और बाकी जो लोड के ऊपर डिपेंड होता है, पीछे हमें कितना लोड इस पर डाला हुआ है, उसी के हिसाब से दोस्तों जो यूपीएस होता है, ये जो यूपीएस होता है ये हमारा जो है यूपीएस की जो फुल फॉर्म है, अनट्रिप्ड पावर सप्लाई होती है। ठीक है जी। अनट्रिप्ट का मतलब है जब हमारी पावर सप्लाई अगर कटती है, मेन लाइन कटती है, तो मेन लाइन कटने के बाद दोस्तों बिना ट्रिप किए हुए, बिना बंद किए हुए सिस्टम को बिना ऑफ किए हुए जो है सिस्टम को कंटिन्यू चलने का काम यूपीएस हमारा करता है। ठीक है। तो चलिए दोस्तों अब मैं आपको यूपीएस के बारे में बताऊँगा कि जो यूपीएस है वो किस प्रकार से हमारा काम करता है। दोस्तों यूपीएस में डीसी 12 वोल्ट की बैटरी लगी होती है। जो डीसी 12 वोल्ट जो बैटरी लगी होती है वो क्या करती है दोस्तों, डीसी से हमें एसी 220 वोल्टेज बना के देती है। वो किस प्रकार से बना के देती है वो मैं आपको समझाऊंगा। दोस्तों एसी वोल्टेज से डीसी वोल्टेज बनाना बहुत आसान है, लेकिन डीसी से एसी बनाना बहुत कठिन है। ये मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था, जहाँ ट्रांजिस्टर और डायोड की जो वीडियो थी उनमें मैंने आपको बताया था कि डीसी वोल्टेज से एसी बनाना बहुत कठिन होता है। इसमें क्या है, हमें मॉसफेट का सहारा लेना पड़ता है। मॉसफेट से जो है हम स्विचिंग कराते हैं, स्विचिंग करा के मॉसफेट से हम एसी से डीसी बनाते हैं। वो मैं आपको सारी चीज़ अभी समझाऊंगा किस प्रकार से, और यूपीएस किस प्रकार से काम करता है हमारा। और एक बात और है दोस्तों, हमारे जो यूपीएस होते हैं, हमारे दो टाइप के यूपीएस होते हैं। एक तो होता है हमारा ऑनलाइन यूपीएस और एक होता है हमारा ऑफलाइन यूपीएस। तो दोस्तों इन दोनों में क्या अंतर है, बहुत से लोग नहीं जानते कि ऑनलाइन यूपीएस और ऑफलाइन यूपीएस में क्या अंतर है। तो दोस्तों जो ऑफलाइन यूपीएस होता है वो क्या होता है, जब हमारी पावर सप्लाई ऑफ हो जाती है, मेन जो हमारी चली जाती है, मेन जाने के बाद जो हमें बैकअप देता है वो बैटरी से मिलता है हमें, और जब मेन आ जाती है तो मेन से रिले के थ्रू हमें क्या है कंटिन्यू बैकअप, मेन का बैकअप मिलने शुरू हो जाता है। उसमें क्या है बैटरी का काम ख़त्म हो जाता है, बैटरी सिर्फ उस टाइम चार्जिंग करती रहती है। लेकिन ऑनलाइन यूपीएस में क्या है, ऑनलाइन यूपीएस एक ऐसा यूपीएस है जिसमें कि जो बैटरी लगी होती है वो कंटिन्यू यूपीएस हमारा बैटरी पे ही चलता रहता है, उसको मेन से कोई मतलब नहीं है। अगर मेन आएगी तो वो सिर्फ बैटरी चार्जिंग के लिए वोल्टेज आएगी, और लेकिन उससे क्या है मेन से हमारा सिस्टम नहीं चलेगा। वो हमारा जो सिस्टम चलेगा वो हमेशा हमारा बैटरी बैकअप पे ही, बैटरी पे ही चलता रहेगा।
अगर मेन आ जाएगी तो उसमें बैटरी चार्जिंग वोल्टेज आ जाएगी काफ़ी एम्पियर के साथ में, जिससे कि वो बैटरी से ही कंटिन्यू चलता रहता है। उसका उसका ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता, उसमें अनट्रिप्ड वाली बात नहीं है, ठीक है, उसमें क्योंकि ट्रिप नहीं होती, उसमें वोल्टेज क्या है कंटिन्यू बैटरी पे ही यूपीएस चलता रहता है जो ऑनलाइन यूपीएस होता है। तो ऑनलाइन और ऑफलाइन में ये अंतर होता है। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ यूपीएस के अंदर क्या क्या पार्ट होते हैं और कौन सा जो पार्ट है वो क्या क्या काम करता है। तो आपको यूपीएस दिखाता हूँ मैं। तो दोस्तों ये मेरे पास एक यूपीएस है, इस यूपीएस को मैं आपको खोल के दिखाऊंगा ये जो यूपीएस है इसके अंदर क्या क्या होता है और किस किस तरीके से ये यूपीएस हमारा काम करता है, ठीक है जी। तो चलिए मैं आपको खोल के दिखाता हूँ इसको। दोस्तों जो यूपीएस आते हैं हमारे, इसमें क्या है ये एक मेन लीड होती है जो जिससे हम मेन पावर देते हैं, और पीछे जो इसके होते हैं तीन सॉकेट होते हैं, तीन सॉकेट से हमें क्या है बैकअप का जो आउटपुट होता है वो हमें मिलता है। ये क्या है यूपीएस मैंने खोल लिया है, ये देखिए आप यूपीएस को मैंने खोल लिया है। तो दोस्तों यूपीएस खोलने के बाद मैं इसमें बताऊँगा आपको क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है और यूपीएस जो है किस प्रकार से हमारा काम करता है। ये देखिए दोस्तों, ये यूपीएस मैंने खोल लिया है, अंदर से यूपीएस इस तरह का होता है। ये मैं बैटरी की वायर निकाल देता हूँ, ये देखिए इस तरह का जो है यूपीएस हमारा अंदर से होता है। इसमें क्या है दोस्तों, इसमें तीन आइटम जो है हमारे मेन लगे होते हैं। जो तीन आइटम है वो मैं आपको बता देता हूँ। एक तो हमारी जो है मेन जो है बैटरी है, बैटरी ये जो हमारी यूपीएस की बैटरी है ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ये 12 वोल्ट की होती है दोस्तों, ये ल्यूमिनस का यूपीएस है और इसमें ल्यूमिनस की बैटरी लगी हुई है। ये जो बैटरी हमारी ये 12 वोल्ट की है, 12 वोल्ट 7.2 AH की, 7.5 है इसमें, लेकिन जो बैटरी और भी नॉर्मल जो बैटरी आती है 7.2 AH की आती है दोस्तों। AH का मतलब है एम्पियर, एम्पियर जो हमारा होता है इसमें वो कितना है, और 12 जो वोल्टेज का मतलब है 12 वोल्ट होती है हमारी। ये देखिए दोस्तों ध्यान से, तो इस प्रकार से ये इसमें बैटरी लगी होती है। जो ज़्यादा AH की बैटरी होगी वो उतना ही ज़्यादा बैकअप देगी और उतनी ज़्यादा उसमें साइज का भी थोड़ा फर्क पड़ जाता है, ठीक है दोस्तों। बैटरी जो है हमारी मेन वोल्टेज देने के लिए हो गई है, जो बैकअप देती है हमारी, बैकअप के लिए ये हमारी बैटरी लगाई जाती है, ये इसके अंदर ही होती है। जो ऑफलाइन हमारे छोटे यूपीएस होते हैं इनके अंदर ही बैटरी होती है, लेकिन जो बाहर जो ऑनलाइन यूपीएस जो होते हैं, काफ़ी बड़े बड़े यूपीएस भी होते हैं, उनमें क्या है बाहर बैटरी बैंक लगा दिया जाता है, ठीक है जी। और इसके अंदर एक ये दोस्तों ट्रांसफार्मर है, एक ट्रांसफार्मर लगा होता है दोस्तों। ये जो ट्रांसफार्मर है ये क्या काम करता है, ये जब हमारी मेन आ जाती है तो ये बैटरी को चार्ज करने का काम करता है। और जब ये ट्रांसफार्मर जो है, मैंने आपको ट्रांसफार्मर के चैप्टर में बताया था कि जो एक ट्रांसफार्मर होता है वो स्टेप अप का काम भी कर सकता है और स्टेप डाउन का काम भी कर सकता है दोस्तों। जब इसमें मेन आती है तो इसमें यहाँ पर क्या है, ये 12 वोल्ट आके ये जो मेन हमारी जो लीड है मेन वाली है, जब हमारी मेन आ जाती है तो मेन आने के कारण ये जो हमारी आउटपुट में जो लीड होती है मोटे वाली, इनमें क्या है, इनमें ये कार्ड के थ्रू होकर और ये सर्किट के थ्रू होकर 12 वोल्ट हमें बैटरी के लिए, बैटरी चार्जिंग के लिए देती है। लेकिन जब दोस्तों हमारी मेन पावर चली जाती है तो मेन पावर जाने के बाद ये क्या करती है, इसमें ये जो चार्जिंग वाली लीड है इनके थ्रू वापस करंट जाकर और यहाँ पे जो ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं, मॉस्फेट लगे हुए हैं, ये स्विचिंग का काम करते हैं और फिर ये अपना ट्रांसफार्मर को देते हैं और ट्रांसफार्मर से हमें जो है आउटपुट वोल्टेज मिल जाती है। तो दोस्तों ये जो यहाँ पे ट्रांसफार्मर लगा हुआ है ये क्या है, ट्रांसफार्मर दोनों तरह का काम करता है, स्टेप अप का काम भी करता है और स्टेप डाउन का काम भी करता है। यूपीएस में दोनों तरह का काम ये करता है, स्टेप अप और स्टेप डाउन का, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार से हमारा जो है यूपीएस काम करता है। अब मैं इसको कार्ड के बारे में आपको बताऊंगा कि जो कार्ड की जो प्रोसेसिंग होती है वो किस प्रकार से होती है। आपको कार्ड को खोल के दिखा रहा हूँ बाहर, जिससे कि आपको यूपीएस के बारे में अच्छी तरह से नॉलेज मिल जाए कि जो हमारा यूपीएस होता है वो कैसे हमारा काम करता है, कैसे बैकअप देता है। फिर मैं इसको आपको चला के दिखाऊंगा यूपीएस को। ये देखिए दोस्तों, मैंने इसकी जो मेन पीसीबी है, जो इसका मेन पीसीबी है, ये मैंने इसकी बाहर निकाल ली है। ये जो इसकी मेन पीसीबी है,
ये मैंने इसकी बाहर निकाल लिया। ये देखिए दोस्तों इसमें कितने सारे कंपोनेंट लगे हुए हैं, और ये जो कार्ड है हमारा ये पूरा एसएमडी में बना हुआ है, पूरा कार्ड हमारा एसएमडी में बना हुआ है। और यहाँ पे जो है हमारे ये मॉसफेट लगे हुए हैं, यहाँ पे ये चार मॉसफेट हमारे लगे हुए हैं, ये आप देख रहे हो चार मॉसफेट लगे हुए हैं। ये जो मॉसफेट है हमारे ये स्विचिंग का काम करते हैं, ये स्विचिंग का काम करके ट्रांसफार्मर को देते हैं, और फिर ट्रांसफार्मर क्या है आगे हमें मेन 220 वोल्टेज देता है। ठीक है जी, अब मैं यहाँ से क्या करूँगा, ये ट्रांसफार्मर को अलग कर लूँगा। ये ट्रांसफार्मर की वायर हो गई, ये हमारी मेन वायर हो गई जो हमारी आउटपुट में यहाँ पे जा रही है, और ये जो हमारी है इनपुट वायर होगी जो ये इनपुट हमें यहाँ से मिल रही है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से इसमें ज़्यादा कुछ होता नहीं है, ये मैं आपको अलग अलग करके भी दिखा दूँगा। ये देखिए दोस्तों, इसमें जो है ये हमारी जो है ये आउटपुट है, ये सॉकेट में जा रही है, ये जो वोल्टेज है हमारी आउटपुट ये हमारी सॉकेट में जा रही है, सॉकेट से बाहर हमें आउटपुट मिल रही है। और ये जो हमारी इनपुट है, जो मेन लीड है हमारी, ये जो मेन लीड है ये हमारी इनपुट हो गई, और ये जो हमारी ये ट्रांसफार्मर की वायर होगी, ये ट्रांसफार्मर की हमारी जो है इनपुट वायर होगी। और लेकिन ये जब इसमें क्या है बैटरी से वोल्टेज जाती है तब ये इनपुट का काम करती है, और जब क्या है जब बैटरी से ये मेन से जाती है तब ये हमारी आउटपुट का काम करती है, चार्जिंग का काम करती है। ये जो दो दो वायर और है ये दोस्तों, इन दोनों वायर में स्विचिंग करके जो मॉसफेट होते हैं वो स्विचिंग करके इन दोनों वायर में हमें वोल्टेज देते हैं। वो मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से हमें वोल्टेज देते हैं और किस तरीके से पूरी प्रोसेसिंग जो है यूपीएस हमारा काम करता है। तो दोस्तों ये जो हमारा यूपीएस है, सबसे पहले क्या होगा, इस यूपीएस में हम मेन कार्ड के थ्रू, इस यूपीएस में मेन जाएगी इनके थ्रू, इस वायर के थ्रू इसमें मेन जाएगी। जैसे इसमें मेन जाएगी तो इसमें 18 से 20 वोल्टेज इनके थ्रू, ये जो दो वायर है इनके थ्रू इसमें आएगी। तो जैसे ही इनमें वोल्टेज आएगी 18 से 20, तो दोस्तों इसमें कंट्रोलर आईसी लगी होती है, ये क्या है कंट्रोल करके हमें 12 से 14 वोल्ट, क्योंकि एक दो वोल्टेज हमें क्या है बैटरी को चार्ज करने के लिए चाहिए होती है, तो 14 वोल्ट क्या है बैटरी को ये देगी, जिससे कि हमारी बैटरी चार्ज होगी। ठीक है दोस्तों, जब हमारी बैटरी चार्ज हो जाती है और हमारी मेन जो लाइट है वो चली जाती है, उसके बाद यूपीएस क्या है उल्टा काम करना शुरू कर देता है, ये जो सर्किट है हमारी ये उल्टा काम करना शुरू कर देती है। उससे क्या होगा, इन ये जो हमारी चार्जिंग वाली थी इनसे ही वापस यहाँ पे क्या नाम है मॉसफेट के पास वोल्टेज आएगी 12 वोल्ट। 12 वोल्ट आने के बाद जो मॉसफेट है हमारे वो हमारे स्विचिंग करेंगे, स्विचिंग करने के बाद जो एसी वोल्टेज बनेगी, जो मॉसफेट जो स्विचिंग करेंगे और स्विचिंग की जो मॉसफेट की एसी वोल्टेज बनेगी वो दोस्तों ट्रांसफार्मर में जाएगी, और ट्रांसफार्मर में जैसे ही एसी वोल्टेज जाएगी और आउटपुट में हमें 220 वोल्टेज मिल जाएगी, क्योंकि जब इनपुट में हम यहाँ से इसको 220 वोल्टेज देते हैं तो यहाँ क्या है बैक में आउटपुट में ये हमें वापस 220 वोल्टेज देगा। और लेकिन ये सारी जो प्रोसेसिंग होती है ये कार्ड के थ्रू होती है, और इसमें दोस्तों चार रिले लगी होती है कार्ड में। ये जो रिले लगी होती है ये क्या काम करती है मैं आपको बताता हूँ। जब कभी हमारी जो वोल्टेज डाउन आ जाती है, कभी आप देखना यूपीएस लगा के, और कभी आपकी पावर अगर कम आ रही है, तो रिले क्या करती है यूपीएस को मेन से हटा देती है, यूपीएस को मेन से हटा देती है और यूपीएस पे आ जाता है यूपीएस ऑटोमेटिक। तो दोस्तों जब यूपीएस ऑटोमेटिक मेन पे आता है, इसमें ये जो सारी आईसी, ये जो एक आईसी लगी हुई है ये सेंसिटिव आईसी होती है, ये हर चीज़ को पढ़ती है कि कितनी वोल्टेज आ रही है कितनी नहीं आ रही, ये प्रोग्रामिंग आईसी होती है, इसको प्रोग्राम किया जाता है, इस हिसाब से सर्किट को डिजाइन किया जाता है। तो दोस्तों जब लाइट अगर पावर कम आ रही है तो ये रिले क्या है ट्रिम मार जाएगी, और ट्रिम मारने के बाद जो ये मेन को लाइन को काट देगी ताकि हमारा जो सिस्टम है, जो हमारा कंप्यूटर है वो बचा रहे। ठीक है जी, एक रिले तो इस प्रकार का काम करती है, और दोस्तों उसको काटने के बाद ये क्या है तो दूसरी रिले के थ्रू हमें क्या है आउटपुट में हमें वोल्टेज यूपीएस से वोल्टेज दे देगी, ताकि यूपीएस की ताकि जो वोल्टेज है हमारे कंप्यूटर को वो जो अगर आउटपुट में हमें 220 है तो 220 वोल्टेज हमें कंटिन्यू मिलती रही। अगर दोस्तों जो दूसरी रिले है, वो दूसरी रिले क्या काम करती है, जब कभी हमारी हाई वोल्टेज आ जाती है 220 से ऊपर, मान लो 300, 350, 400 वोल्टेज कई बार फेस टू फेस लाइट आ जाती है फॉल्ट होने के कारण, तो उसमें क्या है दोस्तों ये हमारे जो यूपीएस है ये हमारे पूरे सिस्टम को बचाता है। वो किस प्रकार से बचाता है, जब लाइट मान लो तेज आ गई तो इसमें जो है ये आईसी के थ्रू, प्रोग्राम है आईसी के थ्रू, ये उसको सेंस कर लेता है कि हाई वोल्टेज आ गई है, और रिले के थ्रू वो क्या नाम है मेन वायर को कट कर देता है। दोस्तों ये लो में भी कट कर देता है और हाई वोल्टेज में भी उसको कट कर देता है मेन को। जब मेन कट हो जाएगी तो यूपीएस पे तो ऑलरेडी, जब बैटरी पे चलेगा तो बैटरी पे तो ऑलरेडी 220 ही निकाल सकता है, क्योंकि इसमें तो बाहर से आ नहीं रही, ये तो हमारी सर्किट के थ्रू बन के वोल्टेज जा रही है। तो इस तरीके से, और जो
जो दो रिले और लगी होती है, एक दोस्तों ये चेंज ओवर का काम करती है, वो चेंज ओवर का काम इस वो करती है, जैसे हमने मेन लगा दिया तो दोस्तों जो यूपीएस है वो मेन पे आ जाएगा और रिले के थ्रू जैसे हम मेन लगाएंगे तो एक दो सेकंड बाद क्या है यूपीएस मेन पे आ जाएगा, वो भी रिले का काम करती है। और दोस्तों जब हम मेन को हटा देंगे, मेन को हटा देंगे या लाइट हमारी पावर ऑफ हो जाएगी तो दोस्तों ऑटोमेटिक जो है यूपीएस हमारा जो है बैकअप पे आ जाएगा, ऑटोमेटिक सिस्टम को कोई हानि ना पहुंचाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों ये रिले जो है हमारी काम करती है, ठीक है। अब मैं इसको आपको चला के दिखा रहा हूँ कि किस प्रकार से जो यूपीएस है उसमें किस प्रकार से जो काम करता है। और इसमें दोस्तों ये तीन इंडिकेटर दिए हुए हैं, ये जो आप देख रहे हो इसमें तीन इंडिकेटर दिए हुए हैं। ये तीन इंडिकेटर किस काम के होते हैं दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ। जो हमारा ग्रीन वायर, ग्रीन जो इंडिकेटर है ये हमारा होता है मेन का। जब दोस्तों हम इससे हमें ये पता लगता है कि जब हम मेन वायर लगे हैं कि हमारी मेन वायर जो है, मेन लाइट जो है, मेन पावर जो है वो आई है या नहीं आई है। अगर ये जल रहा है तो हमारी मेन पावर आई है, अगर ये नहीं जल पा रहा है तो नहीं जल रहा है तो मेन नहीं आ रही हमारी। और जो दोस्तों दूसरा जो ये है येल्लो, येल्लो जो एलईडी है, ये जो येल्लो एलईडी ये हमारी क्या है बैकअप की एलईडी होती है। जब मेन वायर, मेन वोल्टेज नहीं आएगी तो ये बंद हो जाएगी और ये हमारी कंटिन्यू जल जाएगी, और जैसे ये बीप साउंड करेगा तो ये एलईडी भी एक बार बंद होगी, ठीक है दोस्तों। बीप के साथ, बीप के साथ ये एलईडी काम करेगी तो हमें ये पता लग जाएगा कि जो हमारी मेन है वो नहीं आ रही, यूपीएस हमारा जो है बैकअप पे चल रहा है। हमें जो सेव करके जो डाटा हमें सिस्टम में सेव करना है वो हम आसानी से सेव करके और जो है सिस्टम को शटडाउन कर सके। और दोस्तों तीसरी जो रेड लाइट है, ये जो रेड लाइट होती है ये एरर की लाइट, क्या एरर की रेड लाइट है। इसमें इससे अगर ये कंटिन्यू जल जाए, कोई सी भी लाइट नहीं जल रही है और कंटिन्यू जल जाए ये वाली लाइट, और यूपीएस जो कंटिन्यू बीप की साउंड करने लगे तो ये समझ जाना यूपीएस में फॉल्ट है कोई ना कोई, वो फिर फॉल्ट हमें चेक करना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार से जो यूपीएस है हमारा काम करता है। मैं आपको एक बार पावर ऑन करके दिखा देता हूँ बैटरी पे भी और मेन पे भी। सबसे पहले मैं आपको दिखा रहा हूँ मेन पे और इसकी वोल्टेज चेक करते हैं। पीछे जो बैक में आउटपुट में जो वोल्टेज आती है वो 220, वो हम कैसे चेक करेंगे कि हमारे प्रॉपर यूपीएस बैटरी पे काम कर रहा है नहीं कर रहा, लोड को ले रहा है नहीं ले रहा। तो चलिए दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके जो सारे कनेक्शन हैं वो कर देंगे। दोस्तों ये जो यूपीएस आजकल आने लगे ये क्या है, हर चीज़ को, हर वायर को, हर कनेक्टर को सेंस करते हैं। अगर हम कोई सा भी कनेक्टर नहीं लगाएंगे तो ये क्या हमें फॉल्ट दिखाना शुरू कर देगा, वो मैं आपको बताऊंगा कनेक्टर हटा के। दोस्तों इनपुट आउटपुट को तो ये सेंस करता ही है, साथ में इनपुट अगर नहीं आएगी तो हमें पता लग जाएगा कि इनपुट नहीं आई है, और आउटपुट नहीं आएगी तो भी हमें आउटपुट में पता लग जाएगा नहीं आएगी। लेकिन जब तक अगर ये कनेक्टर नहीं लगेगा, इस कनेक्टर को ये पूरा सेंस करता है, वो मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से सेंस करता है। पहले मैं आपको इसका आउटपुट और इनपुट के बारे में बता देता हूँ। ये देखिए, ये मैंने ये मेन लगा दी है जिससे कि हमें बैकअप मिलता है, और ये हमारी इनपुट है, ये यहाँ पे लगेगी। अगर कभी आप कनेक्टर निकाल दो तो इसमें दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है इनपुट लाइव और न्यूट्रल, और यहाँ पे आउटपुट लाइव और न्यूट्रल। ये देखिए लिखा हुआ है यहाँ पे आउटपुट लाइव और न्यूट्रल। तो इसके मैं कनेक्शन कर देता हूँ यूपीएस के, नेगेटिव में नेगेटिव, पॉजिटिव में पॉजिटिव। ये मैंने इसके कनेक्शन कर दिया, मैं इसको आपको ऑन करके दिखाऊंगा। ये देखिए दोस्तों ये किस प्रकार से ऑन होता है। ये ठीक है दोस्तों, इसमें क्या है, इसमें अभी बैटरी जो है इसकी लो है। मैं इसको बैटरी को चार्जिंग पे लगा देता हूँ। तो देखिए दोस्तों मैं आपको चेक कराता हूँ किस प्रकार से मैंने इसको बैटरी को जो चार्जिंग पे लगा दिया है, बैटरी चार्ज होती रहेगी और ये यूपीएस अपना काम भी करता रहेगा। ये मैं एक्सटर्नल चार्जिंग दे रहा हूँ क्योंकि अभी वीडियो बनाने के लिए बैटरी जो इसकी लो है। तो मैं आपको दिखाता हूँ, देखो दोस्तों जब ये बैटरी पे काम करता है तो यूपीएस कैसे काम करता है। ये देखिए ये लंबी बीप की साउंड करेगा और ऑन हो जाएगा। जैसे ही ऑन होगा दोस्तों ये जो हमारी येल्लो जो लाइट है ये हमारी देखो जल गई है, येल्लो लाइट हमारी कंटिन्यू जल गई है, ये देखिए, ठीक है दोस्तों। और ये क्या अभी बैटरी पे है तो ये क्या है, हर 4-5 सेकंड बाद एक बीप की साउंड देगा जिससे कि हमें ये कंफर्म हो जाएगा कि जो हमारा यूपीएस है वो बैकअप पे है। ये देखिए ये हर 4-5 सेकंड बाद क्या है कंटिन्यू बीप, ये क्या नाम है, बीप की साउंड दे के बंद हो जाएगा।
ये देखिए इस तरह की बीप देगा तो हम समझ जाएंगे हमारा जो यूपीएस है वो बैकअप पे है, बैटरी पे चल रहा है, हमें जो फाइल सेव करनी है वो फाइल हम जल्दी से सेव कर लें। और दोस्तों अगर हम मान लो कभी यूपीएस का हमें चेक करना पड़ जाए कि यूपीएस हमारा रियल में आउटपुट दे रहा है नहीं दे रहा, तो आप एक बल्ब लीजिए, एक बल्ब की सहायता से आप इसके जो पीछे आउटपुट वाले सॉकेट है यहाँ पर हम आराम से एक बल्ब लगा सकते हैं या कोई एलईडी बल्ब भी लगा सकते हैं, जिससे कि हमें ये पता लग जाए कि जो हमारा यूपीएस है वो कंटिन्यू हमारा आउटपुट दे रहा है नहीं दे रहा। तो इसको पीछे लगाएंगे, पीछे लगा के हम ये चेक करेंगे कि ये बल्ब हमारा चल रहा है नहीं चल रहा। तो देखिए दोस्तों ये जो बल्ब है हमारा जल जाएगा पीछे लगाएंगे, तो जैसे ही हम पीछे लगाएंगे तो ये बल्ब हमारा कंटिन्यू जल जाएगा। इससे हमें ये पता लग जाएगा कि हमारा जो यूपीएस है वो किया है हमारा काम कर रहा है, आउटपुट में हमें वोल्टेज दे रहा है। ये दोस्तों 100 वाट का जो बल्ब होता है, ये जो हम घरों में पहले यूज करते थे ये वो 100 वाट का बल्ब है, ठीक है दोस्तों। तो ये 100 वाट का बल्ब लगा के हम इसके लोड को बैकअप को चेक कर सकते हैं कि हमारा यूपीएस ठीक है या नहीं है, ठीक है जी। अब मैं इसको, अब ये देखो दोस्तों कंटिन्यू बीप की साउंड कर रहा है, बीप की साउंड ये इसलिए कर रहा है क्योंकि ये अभी बैटरी पे है। अब मैं इसके जो मेन लीड है वो मैं आपको मेन पे लगा के दिखाऊंगा, ये जो मेन लीड है हमारी ये मैं मेन पे लगा देता हूँ। मेन पे लगाने के बाद इसमें क्या हलचल होती है वो आप खुद देख लीजिए। ये देखिए दोस्तों मैंने इसको मेन पे लगा दिया है, जैसे मैंने इसको मेन पे लगाया है, मेन पे लगाने के बाद जो हमारी येलो लाइट है वो बंद हो गई है और जो हमारी ग्रीन लाइट है वो जल गई है। ये देखिए जो हमारी ग्रीन लाइट है वो कंटिन्यू जल गई है और जो येलो लाइट थी वो बंद हो गई है। जैसे ये मेन पे आएगा, अब ये क्या है हमारा मेन पे आ गया है, अभी इसमें बैटरी को छोड़ दिया है, अभी सिर्फ बैटरी चार्जिंग का काम कर रहा है, सिर्फ बैटरी को चार्ज करेगा जब तक कि इसमें मेन आती रहेगी। जब इसमें मेन कट आउट हो जाएगी, मेन कट हो जाएगी तो उसके काम क्या है, उसके बाद क्या है बैटरी पे बैकअप देना शुरू कर देगा, लेकिन जो आउटपुट है हमारी अब भी रहेगी, क्योंकि अगर ये यहाँ से ऑन है तो आउटपुट हमारी फिर भी हमें मिलती रहेगी। वो इसलिए दोस्तों जब मान लो मेन लाइट आ गई तो जो हमारा सिस्टम है वो कंटिन्यू चलता रहे, ठीक है जी। ये मैं आउटपुट आपको चेक करा रहा हूँ, ये देखिए अभी इसमें मेन आउटपुट है, जो मेन वाली है वो आउटपुट है इसमें अभी, ये देखिए इसमें अभी मेन आउटपुट है। और इसको यहाँ से हम बंद कर देंगे तो ये हमारी जो है बंद हो जाएगा यूपीएस। अब ये जो यूपीएस है ये देखिए, ये जो लाइट है जो ब्लिंक करने लग गई है, इस लाइट, ये जो हमारी ग्रीन लाइट जो ब्लिंक कर रही है इसका मतलब है अब हमारी जो है ये बैटरी चार्जिंग का काम कर रही है, और जब ये बैटरी फुल चार्ज हो जाएगी तो ये जो ग्रीन लाइट है ये हमारी कंटिन्यू जल जाएगी। तो दोस्तों आजकल के जो यूपीएस आ रहे हैं ये इस प्रकार से हमारा काम करते हैं, इस प्रकार से ये जो यूपीएस है काम करते हैं पूरे तरीके से। तो आपको यूपीएस के बारे में हर तरह से जानकारी प्राप्त हो गई होगी कि किस प्रकार से यूपीएस जो है हमारा काम करता है, किस प्रकार से हमारा यूपीएस काम करता है और इसमें क्या क्या पार्ट होते हैं वो मैंने आज आपको बता दी। इसमें सिर्फ 3 मेन पार्ट होते हैं, एक तो बैटरी होती है, एक ट्रांसफार्मर होता है और एक हमारा इसका जो मेन पीसीबी है वो होती है, ठीक है दोस्तों। तो यूपीएस का मेन काम जो है बैटरी से बैकअप देने का काम होता है, 5 से 10 मिनट के बीच का ये बैकअप देती है, जिससे कि हम अपने जो सिस्टम है उसको लॉस होने से बचा ले, जो हमारा डाटा है उसको लॉस होने से बचा ले, जो हमारी हार्ड डिस्क है उसको जो है उसका जो डाटा है वो लॉस होने से हम बचा सकते हैं। तो इस प्रकार से हम जो है यूपीएस का यूज करते हैं, और जो ऑनलाइन यूपीएस होता है वो दोस्तों हमारा जो है हमेशा जो है बैटरी बैकअप पे ही, वो क्या नाम है, हमेशा बैटरी पे ही चलता है वो, उसको मेन से कोई मतलब नहीं है, मेन आए या नहीं आए, अगर मेन हम देंगे तो वो सिर्फ बैटरी चार्जिंग के लिए काम करेगी, लेकिन जो उसमें क्या है मेन नहीं आएगी, इसमें क्या है चेंज ओवर हो जाता है इस वाले यूपीएस में, जो अपना ऑफलाइन यूपीएस होता है इसमें क्या है चेंज हो जाता है, जैसे हम मेन देंगे तो ये बैटरी को छोड़ के मेन की वोल्टेज को देना शुरू कर देगा, लेकिन उसमें ऐसा नहीं है, उसमें क्या है वो कंटिन्यू बैटरी पे चलता रहता है। अगर हम मेन लगाएंगे तो जो वोल्टेज आएगी वो सिर्फ बैटरी चार्जिंग के लिए आएगी। तो इस तरीके से दोस्तों ऑनलाइन और ऑफलाइन यूपीएस में इस प्रकार का जो है अंतर होता है। तो दोस्तों वीडियो को कंटिन्यू देखते रहिए जिससे कि आपको हर तरह की जानकारी प्राप्त हो, ठीक है दोस्तों। और वीडियो को कंटिन्यू देखने के लिए धन्यवाद।